सरदार पटेल की याद में दौड़ा देश, दिल्ली में दौड़ में पीएम मोदी भी हुए शामिल, पटेल की जयंती पर देश को दिलाई शपथ। रन फॉर यूनिटी दौड़ से पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर पीएम ने किया माल्यार्पण, पटेल को याद करके रन फॉर यूनिटी अभियान की हुई शुरुआत। रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर पीएम ने राजपथ से दौड़ को किया रवाना, कई बड़ी हस्तियों समेत हजारों लोग दौड़ में हुए शामिल। पटेल की जयंती के बहाने पीएम ने सिख विरोधी दंगे का किया जिक्र, कहा महापुरुष की जयंती के दिन हुई थी भयानक घटना, देश की एकता पर लगा था छुरा, हस्तियों समेत हजारों लोग दौड़ में हुए शामिल। पटेल की जयंती के बहाने पीएम ने सिख विरोधी दंगे का किया जिक्र, कहा महापुरुष की जयंती के दिन हुई थी भयानक घटना, देश की एकता पर लगा था छुरा। अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी दौड़ को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दिखाई हरी झंडी, अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी दौड़ में हजारों की संख्या में बच्चों ने भी लगाई दौड़। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, शक्ति स्थल पर सोनिया और राहुल ने चढ़ाए श्रद्धा सुमन, कार्यक्रम में सरकार का किनारा तो दिल्ली के कार्यक्रम में कांग्रेस ने पीएम को नहीं दिया न्योता। महाराष्ट्र में आज पहली बार पूरा खिलेगा कमल, पीएम मोदी के सामने देवेंद्र फडणवीस लेंगे बीजेपी के पहले सीएम की शपथ, वानखेड़े में शाम 4:30 बजे भव्य समारोह। शिवसेना ने किया समारोह का बॉयकॉट, कहा अपमान के घूंट पिला रही है बीजेपी, विपक्ष में बैठने के कयास। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले राज्यपाल का पिछले चव्हाण सरकार के फैसले को झटका, गवर्नर ने सूचना के अधिकार से जुड़ी अधिसूचना वापस लेने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन के लिए बीजेपी की तरफ इशारा किया, कोर्ट ने कहा दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनने की संभावनाएं हैं। मोदी सरकार शिक्षा नीति में कर सकती है बड़ा बदलाव, स्मृति ईरानी के साथ संघ नेताओं की मैराथन बैठक में मिले संकेत। नवाज को अपने बेटे की ताजपोशी पर बुलाने के फैसले पर बुखारी के चारों तरफ आलोचना, देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया फैसले का विरोध, बुखारी ने अपने बेटे की ताजपोशी पर पीएम मोदी को नहीं भेजा है न्योता। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी काले धन पर 3 दिसंबर तक अपनी दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 627 खाता धारकों की जांच सौंपी है। पुणे में आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरी, बिल्डिंग गिरने से पहले ही सभी 8 परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया था, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में एक ट्रक में अचानक आग लगी, पेट्रोल पंप के नजदीक खड़ी इस ट्रक को देखते ही भीषण आग की लपटों ने घेरा। गाजियाबाद के चाइल्ड होम शेल्टर में रहने वाले बच्चों का बड़ा खुलासा, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप, 2 दिन पहले होम शेल्टर से भाग गए थे 23 बच्चे। बिहार के छपरा में सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, फिल्म देखने आए लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली के जंगपुरा फ्लाईओवर पर चार्टर्ड बस पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत, मृतक रेलवे का कर्मचारी, पुष्प विहार से बाराखंबा जा रही थी बस। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जारी, वजीरिस्तान के कबायली इलाके में मुठभेड़, 8 सैनिक और 21 आतंकवादी मारे गए। और चीन की फिर सीना जोरी, अरुणाचल में भारत की 54 नई प्रस्तावित चौकियों पर जताया ऐतराज, कहा भारत को पेचीदा नहीं करना चाहिए हालात।